फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन एंड व्लॉग्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसको मैंने मंगाया है अमेजोन से। मैंने एक वीडियो डाला था अमेजोन मिनी स्पाइस ग्राइंडर का, तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बट उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि क्या हम इसमें अदरक लहसुन पीस सकते हैं या फिर लिक्विड वाली चीज़ें हम इसके अंदर पीस सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उस पर कमेंट तो कर दिया था कि आप लोग उसमें नहीं पीस सकते, क्योंकि उसका जो मिक्सर ग्राइंडर है वो काफ़ी छोटा होता है। तो उसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने आज एक और मिनी ग्राइंडर मंगाया है, जो कि है पोर्टेबल जूस ग्राइंडर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत छोटा सा है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ये जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर है वो न्यू आया है। और ये देखिए, ये है पोर्टेबल जूस ब्लेंडर। लेकिन सिर्फ ये जूस ही नहीं बनाता है, इसमें आप कोई भी चीज़ ईजीली पीस सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट्स हों। और इसका बहुत ही प्यारा कलर, पिंक कलर मुझको मिला है, तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही छोटा सा है, कहीं भी इजी कैरी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप अनियन, लहसुन, जो भी वेजिटेबल हैं या जो भी फ्रूट्स हैं, इवन दो इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट भी इजीली पीस सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने 3 से 4 कुछ चीज़ें इसमें पीस के बताई हैं, तो आपको बताऊंगी कि इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये वर्क करता है और क्या इसके फीचर हैं और क्या आप लोगों को भी इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, आगे आप वीडियो में देखिएगा कि कैसे ये काम करता है। तो ये है इसका ग्लास और ये है इसकी मशीन। तो 4 ब्लेड वाला है ये, और काफ़ी अच्छा ग्लास है इसका। प्लास्टिक जो है काफ़ी हार्ड है और ब्लेड बहुत शार्प है। ये जो मिक्सर ग्राइंडर है न्यू टेक्नोलॉजी बेस है, तो इसको आप मोबाइल की तरह चार्ज कर सकते हैं और इजीली कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। आप जिम में जा रहे हैं या फिर कोई छोटी मोटी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कहीं आप क्लासेस के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको फ्रेश ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे ये इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसको आप चार्ज करें, ये देखिए इसका चार्ज केबल है। इस ये छोटा सा ही है, तो इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इस टाइप का जो पिन वाला पहले चार्जर आता था वो हो, तो उससे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस केबल से ही आपको चार्ज करना है। तो चार्ज करने का प्रोसेस सिंपल सा है, सबको पता ही है, बट मैं आपको एक बता देती हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये चार्ज हो गया है फुली के नहीं हुआ है। और जब एक बार आप इसको चार्ज कर लेंगे तो आप 3 से 4 बार इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्जिंग पॉइंट लगा दिया, तो ये रेड लाइट है और जैसे ये चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बनाऊंगी पाइनएप्पल का जूस। तो थोड़ा सा मैंने ग्लास के अंदर पानी डाल दिया है। जब भी आप कोई लिक्विडी चीज़ बनाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि वो ईजिली उसको क्रश कर सके। तो यहाँ पे पाइनएप्पल के देखिए मैंने चंक्स कर दिए हैं और इसके अंदर डाल दिए। इसके अंदर लिखा होता है ऊपर साइड में कि कितना इसके अंदर क्वांटिटी हम डालेंगे। मैक्सिमम इसके अंदर 300 to 400 ml हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा हमें शेक करना होता है या रोटेट करना होता है इसको पीसने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि वो जो हमारा इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो हमारे ब्लेड तक पहुँच नहीं पाता, और फिर जो हमारा ये जूस जो भी बना रहे हैं, हम जूस बना रहे हैं, स्मूथी बना सकते हैं आप इसमें, या फिर बच्चों के लिए आप कोल्ड कॉफ़ी भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा पाइनएप्पल का फ्रेश फ्रेश जूस बनके तैयार हो गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये हमारा पिस गया है और चंक्स वगैरह इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो इसको छान लेते हैं और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया हमारा फ्रेश फ्रेश पाइनएप्पल का जूस बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए, और इसके बाद मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगी चटनी पीस के, वो भी बहुत ही इजीली पीस जाती है, चाहे हार्ड चीज़ हो या सॉफ्ट चीज़ हो, बहुत ही इजीली ये उन्हें पीस देता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्ची और साथ ही लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा नमक, और बस इसकी लिड लगा के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने एक ही बार चार्ज किया था और उसी से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं 3 से 4 बार कैसे यूज़ कर पा रही हूँ इसको।
तो एक मैंने बना लिया है जूस और अब हम बनाएंगे चटनी। तो ये जो बटन है इसको आपको डबल टैप करना होता है तभी ये चलेगा, सिंगल टैप से ये नहीं चलता। और इस तरीके से हमें शेक करना है। तो ये देखिए जैसे जैसे हम इसको शेक करते जाएंगे ये हमारा पिसता जाएगा। तो चटनी भी देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया से पिस के तैयार हो गई है, कोई भी चंक्स इसके अंदर नहीं रहा है। तो अब मैं चटनी भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कुछ सेकंड में ये आपका काम कर देगा, एक मिनट से भी कम लगेगा आपको ये चटनी पीसने में। जो भी आप इंग्रेडिएंट पीसेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-50 सेकंड आपको लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा पल्स मोड पे चलाना है, नहीं तो जो मशीन है थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो ये देखिए चटनी भी हमारी बहुत बढ़िया पीस के तैयार हो गई है। अब इसी में मैं आपको एक से दो टमाटर भी पीस के दिखाती हूँ ताकि आपको लगे कि सॉफ्ट चीज़ क्या पता इसमें पिसे ना पिसे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए टमाटर मैंने उसी ग्राइंडर में डाल दिया है और वो भी मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम इसको रोटेट करते जाएंगे, शेक करते जाएंगे और हमारे टमाटर भी अच्छे से पिस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट जो है अभी भी काम कर रहा है, बिल्कुल मैंने इसको दोबारा से चार्ज नहीं किया है। तो 3 से 4 बार ये इजीली किसी भी चीज़ को पीस देता है और हार्ड चीज़ें भी पीस देता है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो लोग कुकिंग करते हैं उनके लिए, और जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है ये, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो प्राइस इसका है 499 रुपीज़, और बहुत जल्दी ये डिलीवर्ड भी हो जाता है। तो इसको मैंने अमेज़न से ही मंगाया है। तो ये देखिए बात करते करते हमारा टमाटर भी पिस गया है और अब मैं इसके अंदर आपको करके दिखाऊंगी थोड़े से हार्ड नट्स, जैसे कि बादाम होता है वो। तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन करना बहुत ही इजी है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर बादाम डाल दिए और अब मैं इसको भी आपको क्रश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक से दो बार इसको मैंने प्रेस किया और बस इसको मैं शेक करूंगी। तो ये देखिए कितना इजीली ये बादाम को भी क्रश कर देगा। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल लगा, छोटा सा है कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।